कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड का खेल हुआ खत्म। पोस्टर में खुल गई पोल, किसने भड़काई कानपुर में ये हिंसा? नफरत के आकाओं पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। कानपुर हिंसा के आरोपी खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। बाबा की पुलिस के आगे आत्मसमर्पण किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि वो संदिग्ध नाबालिग है। इसे कहते हैं खौफ। तभी तो जैसे ही कानपुर की गलियों में पोस्टर चस्पा होने का काम शुरू हुआ तो अपराधी खुद ही अपनी शिनाख्त देने में जुट गए। पत्थरबाज खुद ही अपने गुनाहों को कबूल करने में जुट गए। थाने में सरेंडर किया जा रहा है। नाम सल्लू बताया जा रहा है। पोस्टर जो चस्पा हुए उसमें 13वें नंबर का ये शख्स है। इसी की तस्वीर बताई जा रही है 13वें नंबर पर। आइए आपको विस्तार से बताते हैं क्या है पोस्टर वाला मामला और कानपुर हिंसा की पूरी कहानी। कानपुर में हिंसा की आग ऐसी भड़की कि मानो पूरे देश में इसकी चर्चा है। लेकिन इस मजहबी नफरत को फैलाने वालों का जल्द ही पर्दाफाश होगा। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो वो भी आपको बता दें। कानपुर पुलिस के खुफिया तंत्र ने सभी आरोपियों की फोटो की शिनाख्त करके उनके पोस्टर जारी कर दिए हैं। देखिए देखिए इन पोस्टर को ध्यान से देखिए। इसमें किस तरह से इन साजिशकर्ताओं के काले मंसूबों की कहानी बयां हो रही है। कुछ भाग रहे हैं तो कुछ पत्थर चला रहे हैं। इतना ही नहीं, कानपुर पुलिस ने इस हिंसा के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार करने का दावा किया है। हमले की जड़ को टटोलने का प्रयास किया गया तो पता चला कि इस नफरत को चिंगारी की आग बनाने के लिए एक नहीं बल्कि 144 व्हाट्सएप ग्रुपों को बनाया गया था। इतना ही नहीं, इन ग्रुपों का एडमिन हाशमी की पत्नी को बनाया गया था। ये काम अभी से नहीं बल्कि 20 दिनों से चल रहा था। अब आप ये भी जानने चाहेंगे कि आखिर इस पूरे फसाद की कहानी कैसे लिखी गई। जांच में सामने आया कि इस बवाल की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी। जगह थी बिकरू से 40 किलोमीटर दूर बेकनगंज में। कहा जा रहा है कि बवाल की स्क्रिप्ट वहीं लिखी गई थी। मामला इतना ही नहीं, कानपुर के कुछ पत्थरबाजों ने कानपुर को कश्मीर बनाने के लिए नापाक हरकत की। लेकिन 5 घंटे के भीतर ही पत्थरबाजों को राइट टाइम पर काबू कर लिया गया। कुछ को पुलिस उठा ले गई और कुछ खुद अपने घरों में जाकर दुबक गए। कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, कानपुर हिंसा के एक एक आरोपियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाएगा। आपको बता दें, योगी सरकार को पूरे मामले की रिपोर्ट सौंप दी गई है। परेड चौराहे से लेकर मूलगंज चौराहे और पेंच बाग नई सड़क के साथ साथ आसपास के इलाकों में पुलिस पूरी पूरी रात गश्त कर रही है। आरोप साफ तौर पर हयात हाशमी पर लग रहे हैं और उसी ने इस साजिश को अंजाम दिया। पहले लोगों को उकसाया और फिर जेल भरो आंदोलन के नाम पर अपनी गंदी सियासत को आगे बढ़ाया और जहर को बारूद बना दिया। लोगों के बीच ये बारूद घुला और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबने देखा। खैर, उसकी विचारधारा से मेल रखने वालों को अब घर घर जाकर पकड़ा जा रहा है। पत्थर फेंकने वालों को छोड़ा नहीं जा रहा। लेकिन पुलिस के 12 थानों के जवानों ने अपना काम करके दिखाया और सभी की हैकड़ी सिर्फ 5 घंटे में निकाल दी। सवाल ये उठता है कि इस शख्स की चर्चा इतनी क्यों हो रही है। आपको बता दें कि CA NRC से लेकर PFI की फंडिंग तक में इस शख्स के तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। जो भी हो, कानपुर हिंसा के आरोपी अब बख्शे नहीं जाएंगे क्योंकि बाबा का बुलडोजर तैयार है। अब देखते हैं किस किस पर ये बुलडोजर चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।